हेलो गाइस, मैं वसीब और आप देख रहे हैं टेक क्लिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 11 के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इस मोबाइल फोन में आपको कौन से ऐसे फीचर्स मिल सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं एप्पल की तरफ से। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस मोबाइल फोन के बारे में बात की जाए तो ये मोबाइल फोन लॉन्च किया जाएगा एप्पल की तरफ से 2019 में लॉन्च किए जाने वाले इस मोबाइल फोन में आपको क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, वही सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें इस मोबाइल फोन में, तो इस मोबाइल फोन में परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको वही प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो आपको XS, XR और XS Max में देखने को मिला, जो कि एप्पल की तरफ से लॉन्च किए गए 2018 में। दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा A12 बायोनिक प्रोसेसर जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ आता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल और हाई स्पीड प्रोसेसर है। और यहां इसके प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो मैं ये भी आपको बताता चलूं कि अभी तो हवावे की तरफ से किरण 980 और अभी सैमसंग की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया एक्जीनोज 9820 और यहां आ गया स्नैपड्रैगन 855। इन तीनों प्रोसेसर पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये तीनों प्रोसेसर जो है वो अभी लॉन्च किए 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन इन तीनों प्रोसेसर से पहले एक प्रोसेसर जो है वो एप्पल का ही जो सबसे पहले लॉन्च किया गया 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब कि एप्पल ने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई 7 नैनोमीटर की। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन में के बारे में बात करें तो इस मोबाइल फोन में आपको मिलता है Adreno 630 GPU और यहां अगर हम इस मोबाइल फोन के बारे में बात करें तो इस मोबाइल फोन में आपको जो स्टोरेज मिलेगी इंटरनल स्टोरेज वो मिलेगी 4GB रैम और 6GB की रैम और स्टोरेज जो इसमें आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी बेसिक वेरिएंट 64GB और 128GB में। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन में कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो इस मोबाइल फोन में आपको मिलेगा एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा, 12 मेगापिक्सल का कैमरा और एक 5 मेगापिक्सल का। ये तीनों कैमरा जो हैं वो आपको रियर में मिलेंगे, मतलब कि इस मोबाइल फोन में ट्रिपल रियर कैमराज यूज किए गए हैं। और अगर हम इस मोबाइल फोन में फ्रंट कैमराज की बात करें तो इस मोबाइल फोन में आपको मिलेंगे 8+8 मेगापिक्सल डुअल फ्रंट कैमरा और इसमें आपको मिलेगी फुल HD की सपोर्ट, मतलब कि अगर आप इसमें इमेज रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 2170x2640 की आपको जो है वो इमेज रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग की, वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये आपको सपोर्ट करेगा 4K रिकॉर्डिंग की। अगर आप डार्क में कोई वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे इस मोबाइल फोन कैमरा के साथ। दोस्तों, ये मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा अपने प्रोसेसर को लेके इसके सभी फीचर जो हैं वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन के बारे बात करें बैटरी के बारे में तो यहाँ एप्पल ने कुछ कमाल किया है, क्योंकि जितने भी अब तक एप्पल के मोबाइल फोन आते रहे हैं उनमें बैटरी बहुत छोटी यूज की गई और उसमें कोई कुछ फास्ट चार्जिंग, मतलब कि फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन यहाँ एप्पल ने अनाउंस किया है कि आपको इस मोबाइल फोन में जो बैटरी मिलेगी वो मिलेगी 3850 mAh की बैटरी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बैटरी है और इसमें आपको फुली जो है वो वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। और इसके अलावा इनके बॉक्सेस में आपको मिलेगा मतलब कि एक फास्ट चार्जर, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो हम गालियां निकालते रहे एप्पल को कि वो इतने सारे जो है वो पैसे ले लेते हैं हमसे और एक फास्ट चार्जर नहीं डाल सकते यार अपने बॉक्स में, लेकिन यहाँ एप्पल ने अनाउंस किया है कि वो इस दफ़ा आप फास्ट चार्जर जो है वो प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को अपने बॉक्सेज में। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन के मतलब डिस्प्ले की बात करें तो ये मोबाइल फोन आपको मिलेगा 6.2 इंच के डिस्प्ले में और ये आ भी सकता है 6.4 इंच के डिस्प्ले में, क्योंकि इसमें तीन वेरिएंट्स आएंगे, वो अब ये नहीं पता कि वो किस नाम से आएंगे, वो आएंगे XI या X2 के, मतलब कि आप देखें अब किस नाम से आते हैं। इसमें आपको जो है वो 6.2 और 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और यहाँ बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 4K सुपर एमोलेड डिस्प्ले और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पहले एप्पल की तरफ से मोबाइल फोन लॉन्च किए गए उनमें जो है वो OLED डिस्प्ले यूज किया गया था।
दोस्तों ये थी इस मोबाइल फोन के कुछ फीचर्स। इसके अलावा इनके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको जो हेडफोन जैक है वो लैक मिलेगा, मतलब कि हेडफोन जैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन के बारे में बात करें तो इस मोबाइल फोन में आपको 5G की सपोर्ट देखने को मिलेगी, जो कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स में आपको देखने को मिलेगी 2019 के। दोस्तों इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन के बारे में बात करें तो इस मोबाइल फोन में आपको मिलेगी IP68 की रेटिंग, मतलब कि आपका जो मोबाइल है वो फुली वाटर रेजिस्टेंट और फुली जो है वो डस्ट प्रूफ होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन के बारे में बात करें तो इस मोबाइल फोन में आपको मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6, मतलब के बहुत ही ज्यादा आपको प्रोटेक्टिव डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाएगा इस मोबाइल फोन में। दोस्तों ये थी इस मोबाइल फोन की कुछ फीचर्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इसी के साथ मैं चाहता हूं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।